राशिद, तुम इस घर के बहुत पुरानी खिदमत गुजार हो। दुआ को तो तुमने बल्कि अपनी नजरों के सामने बड़ा होते देखा है। एहतराम बहुत करती थी वो तुम्हारा। जी जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अच्छा, कभी तुमने दुआ के मुंह से जिक्र सुना है उसके घर वालों का, या कभी उसकी दादी के मुंह से कुछ सुनाओ? अब बेगम साहब, कभी दोनों ने कोई तस्करा तो नहीं किया, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि दुआ बेटी अपने घर चली गई? तो और कहां जा सकती है वो? एक मिनट बेगम साहब, मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले दुआ के वालिद उससे मिलने आए थे। तो तुम्हें कैसे पता है कि वो उसके वालिद हैं? मेरी उनसे खुद बात हुई थी, और उसके बाद दुआ और उनके वालिद दोनों मिलकर बहुत रोए थे। राशिद, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो, मैं माफी चाहता हूँ बेगम साहबा, लेकिन दुआ बेटी ने मना कर दिया था। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो आते कहाँ से थे, मतलब उनका घर कहाँ है? जी नहीं, इसका अंदाजा तो नहीं।